ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी। हम में जोश है, हम मदहोश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है। छा गए हम, घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम। ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी। हम में जोश है, हम मदहोश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है। छा गए हम, घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम। ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी। हम में जोश है, हम मदहोश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है। छा गए हम, घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम। फाइनल में अब सारे चैंपियन आ गए हैं। बहुत ही हाई होप के साथ लाइट स्पीड रेसिंग टीम डेमोन गॉड रेसिंग टीम के अगेंस्ट गई, लेकिन डेमोन गॉड रेसिंग टीम ने उन्हें कुछ नहीं समझा। टैनरोंग और उसका भाई टैनजेंग फिर से मिलते हैं, लेकिन वो डेलिबरेटली डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। कॉम्पिटिशन फाइनली शुरू होता है। सेकेंड राउंड में यान हुई टैनरोंग के साथ एक डिफिकल्ट मैच करता है। यानहुई ने स्लिपरी बैटल बोर्ड पर अपना सब कुछ लगा दिया है। उसने अपनी अल्टीमेट टैक्टिक मैच की स्टार्टिंग में ही लगा दी है। यानहुई ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। टैनरोंग भी वैसे ही जवाब दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टैनरोंग लीड कर रहा है। वो ब्लैक फॉग में लाइट की शैडो नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए। फ्लेमिंग रेसर, भरोसा रखो, मुझे इसी मौके का इंतजार था। बस देखते जाओ, गोस्ट ऑफ द एबिस की डेथ साइड। नहीं, हाय्या! क्या हुआ आखिर? टैनरोंग ने बैटल बोर्ड छोड़ दिया है। ये रहा रिजल्ट, 2-0। ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। लाइट स्पीड रेसिंग टीम कंपटीशन शुरू होने से पहले प्रॉमिसिंग लग रही थी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ग्रुप कंपटीशन में डेमन गॉड रेसिंग टीम से हार जाएंगे। लेकिन क्रशिंग डिफीट से शायद वो लोग आगे के लिए इम्प्रूव कर लें। लेकिन दोस्तों, अभी भी गेम बाकी है। नहीं, ये क्या हो रहा है? यानहुई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो यानहुई? हाँ, रीपिचेज राउंड कल शाम को होगा। ग्रुप ए की डार्क स्काई रेसिंग टीम और ग्रुप बी की लाइट स्पीड रेसिंग टीम, प्लीज अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लो। चलो चलते हैं। यानहुई तुम चलो, रेपेसाज राउंड के लिए तैयार होते हैं। हमें नेक्स्ट टाइम उन्हें डिफीट करते आना चाहिए। बच्चों, क्या तुम लोग अभी बेटर फील कर रहे हो? कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तुम्हें डार्क स्काई रेसिंग टीम के बारे में क्या पता है? वो लास्ट ईयर के टूर्नामेंट की टॉप 8 टीमों में से एक है। उनका कैप्टन मू यिंग ताई सेकंड है जुओ सियाओ चुआन से।
वो देखने में भी सुंदर है। मास्टर तैन सिंह, वो आपके जितना सुंदर नहीं है। उन्हें रीपीचेज राउंड में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? ऐसी खबर है कि मुइंग थाई ने कंपटीशन के बीच में विड्रॉ कर लिया था, उसके वजह से बाकी टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई। क्या वो रीपीचेज राउंड में नहीं खेलेगा? मुझे कुछ आइडिया नहीं। वो पार्ट लेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं भाई मू की नंबर वन फैन हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा मैच उनके केस था? फैमिली हार्मोनी मेंटेन करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो? भाई मू तुम सबको आराम से हरा सकता है, समझ गए तुम सब? मैं एक वॉक के लिए जा रहा हूँ। मैं भी साथ में आऊँगा। हाँ, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? वहीं रुक जाओ, मैं अभी तुम सबको कुछ दिखाती हूँ। एक किरण रोशनी से स्काई की सारी डार्कनेस चली गई। जब भी मू यिंगताई की ल्यूनर यूनिकॉर्न स्पीड रेसिंग टीम राउंड में एंग्जाइटी स्टेट में आ जाती है, एक एनर्जी का बर्स्ट होता है और वो फिनिश लाइन तक बहुत ही तेजी से पहुंच जाती है और बैटल राउंड में उसकी आर्टफुल स्किल्स ओपोनेंट को चकित कर देती है। कितनी स्मूथ कॉर्नरिंग है, जीत का पक्का है। स्टैंडिंग मेंबर और स्टार है। ये तो भाई मू का मोस्ट एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन भी नहीं है, ये देखो। हम हर सीजन में बहुत सारे न्यूकमर्स को देखते हैं और उनमें से कुछ नए स्टार्स भी बन जाते हैं और कुछ बुरी तरह से हार जाते हैं और भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ गिरे हुए स्टार्स ऐसे भी हैं जो कि मिस किए जाते हैं। उनमें से एक है द सन ऑफ द मून मू यिंगताई। हाय, मैं हूँ मू यिंगताई। ये कॉम्पिटिशन में आके अच्छा लगा। डॉक्यूमेंट्री लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुई थी, वो इस साल आखिरी बार कम्पीट करेंगे। आखिरी बार? उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बेटर स्कूल में ट्रांसफर हो जाए, इसलिए मुझे भी लगता है कि वो टूर्नामेंट में पार्ट लेगा। आई गेस मैं ही हूँ जो कि उसे हरा सकता है। ठीक है, फिर तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अपने एनिमी को जानना आसान नहीं है। एक बार मेरा सीक्रेट वेपन रेडी हो जाए, उसके बाद कोई मुझे नहीं हरा सकता है। मैं उसे यूज करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अच्छा, जो मोटर तुमने रिक्वेस्ट किया था ना, वो रेडी है। सच में? इसका मतलब कि वो पूरी तरह से मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी? अच्छा, तुमने सही कहा जाए, लेकिन एक्सप्लोजिव रोटेशन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और विंग राइडर के एक्सप्लोजिव फोर्स को बढ़ाने के लिए हमने इसको तैयार किया जाए। पैसों की चिंता मत करो, बस ये ध्यान दो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। ये मटेरियल मार्केट में पूरा रेयर है जी, हमारे पास जो है वो मार्केट में नहीं मिलेगा तुमको जाए। ठीक है, तुम हाँ उसे लेकर रहो यहाँ पर, मैं अभी चेक करता हूँ। ओके जी। कल जो राउंड है, क्या तुमने उसके लिए तैयारी नहीं की? आप चिंता मत कीजिए, अपने अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट मत करो। क्या आपने सुना नहीं, उसने पिछले मैच में भी पार्ट लिया था। लेकिन अपने तरफ से सेफ रहना बहुत अच्छा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जुओज याओ चुआन से अपना बदला लेकर रहूंगा, मैं इसके कारण नहीं रुकने वाला। हमें ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता? अपनी शक्ल देखी आईने में? हाँ? क्या कहा तुमने? हाँ, बनना बंद करो, मैच शुरू होने वाला है, शांत रहो।
मुझे कॉपी मत करो। तीनों स्मॉल ग्रुप्स में से जिन टीम्स के पॉइंट्स फोर्थ और फिफ्थ आए हैं, डार्क स्काई रेसिंग टीम और लाइट स्पीड रेसिंग टीम, हमारे सामने बहुत ही इंटेंस और रूथलेस रिपिचार्ज राउंड करेंगी। दोनों टीम्स के मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। कम ऑन, उन्हें क्रश कर देते हैं। हे कमजोर इंसान कहीं के, जाओ बेस्ट ऑफ लक। क्या तुम्हें मुझसे कॉम्पीट करने की हिम्मत है? हम यहाँ कॉम्पीट करने ही तो आए हैं। गुड, तो फिर ज़ुओज़िया और चुआन की तरह डरपोक मत बनो। ब्रदर मू, आपकी हेल्थ। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। मू यंगताई, ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर तुम्हारी एब्सेंस के कारण बहुत सारे स्पेक्टेटर्स चले गए थे, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने एकदम से मैच से विड्रॉ क्यों किया था? तुम्हारे विड्रॉल के कारण डार्क स्काई रेसिंग टीम एंड में बीस्ट रेसिंग टीम से हार गई थी। हाँ, वो जो कुछ भी हुआ था वो मेरे लिए एक बहुत ही अपसेटिंग इंसिडेंस था। मुझे छोटी सी पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो गई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं कॉम्पिटिशन के बीच में विड्रॉ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत के ही रहूँगा। तुम्हारी लाइफ, तुमने इसे इतना सीरियसली क्यों लिया? चलो कुछ लाइट बातें करते हैं। डार्क स्काई रेसिंग टीम का कैप्टन होने के नाते तुम्हें अपने ओपोनेंट युनफेंग के बारे में कुछ कहना है? मैं तो उसकी रेस्पेक्ट करता है, स्पेशली वो मेरा ओपोनेंट होने के नाते। आदी ने मुझे इसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे कॉम्पिटिशन के फुटेज भी दिखाए है। वो सच में एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग है, पर मैंने बुलेट रेसर का फ्यूचर देखा है। वो बहुत अच्छा कर रहा है और वो एक बहुत बढ़िया बुलेट रेसर बनेगा, पर मैं कंपटीशन में अपना बेस्ट करेगा। एक बुलेट रेसर रनर को रेस्पेक्ट दिखाने का यही बेस्ट तरीका है। कितनी इंटरेस्टिंग स्पीच थी। मू यिंगताई अपने नाम प्रिंस ऑफ बुलेट रेसर का हकदार है। स्पेक्टेटर्स भी उस रिस्पेक्ट को फील कर सकते हैं जो कि एक सीनियर अपने जूनियर को देता है। व्हाट अ रिमार्केबल पर्सन। चलो अब बहुत बातें हो गई, कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। दोनों टीम के मेंबर्स अपनी अपनी पोजिशन ले लो। ऐसा लग रहा है कि वो सच में उसे कॉम्पीट कर देगा। उसे लगता है कि मैं उससे सेकंड हूँ। मुझे सडनली बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। मैं पहले जाता हूँ, मुझे पहले जाने दो। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। क्या है तुम्हारा सीक्रेट वेपन? दिखाओ, मुझे दिखाओ। हे जिंग, अपनी पकड़ बना कर रखना, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं कि तुम एनी को हरा दोगे।现在我一个人
तुम रो क्यों रहे हो? पता नहीं, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। पर मैम ने आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वो फ्लूट काफी अच्छी बजाता है। उस पर ध्यान मत दो। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ये लो, इसे अपने कानों पे लगा लो। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। कंपटीशन के बाद मैं उसे खास तुम्हारे लिए बजाने को कहूंगा। नो थैंक यू। ये किस तरह की मोटर है? थंडर स्टॉर्म। इसकी अपीयरेंस सन स्टॉर्म से मिलती है। मैं सच सच बताता हूँ, ये मेरी क्रिएशन है। ये सनस्टॉर्म का अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि मेरी क्वालिटीज के साथ कंपैटिबल है। कोई बात नहीं, जब तक तुम इस गाने को नहीं सुनोगे तब तक ये मुनजाइंतर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आज राउंड है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मॉम, मैं हारूंगा नहीं। ने हमें बुलेट ट्रेसर्स की सॉफ्ट साइड दिखाई, ये लव और ब्यूटी से भरी हुई है। वो अपनी विक्ट्री सबके साथ शेयर करता है, लेकिन क्या वो कंपटीशन में टैंजिया के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज करेगा? लेट द कंपटीशन बिगिन। नियर, इसे सीरियसली लेने के लिए थैंक्स। मेरा सॉन्ग एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। इसे क्या कहते हैं? व्हाइट डॉग। ये सॉन्ग मेरे मेंटर ने मेरे लिए लिखा था। मैं तुम्हारे साथ सीरियस नहीं रहूंगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता है। टांजियांग, जल्दी से ईयर प्लग्स पहन लो। इस बार मैं जीत के ही आऊंगा। मास्टर टैंजेंट बहुत बड़े हो गए हैं। मुझे इस गाने के एसेंस को समझाने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे कैप्टन के लिए मैं हार नहीं मानूंगा। चलो शुरू करते हैं। यू टैंजेंग। मूनजाइटर, तुम्हारा म्यूजिक ह्यूमन सोल का मास्टर रहे। या मैं हार गया। तुम्हारा म्यूजिक सच में बहुत अच्छा है। एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो। जाकर रेस्ट करो अभी। एनी यूंगफेंग से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि मू यिन थाई एक टर्मिनल इलनेस के कारण मरने वाला है। एनी यूंगफेंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो मू यिन थाई को जीतने दे ताकि उसकी लाइफ और थोड़ी बढ़ जाए। यूंगफेंग और मू यिन थाई ट्रैक पर मिलते हैं। यूंगफेंग चाहता है कि मू यिन थाई अपने आप को संभाल कर चले,
और एक ट्रू बुलेट रेसर की तरह कम्पीट करे। दोनों मैस्ट्रोस के बीच में बहुत सुपर मैच होता है। देखते हैं अब विनर कौन होता है। हम तो बस खेल ये खेल है इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हमसा कही। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है। हम तो बस खेल ये खेल है इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हमसा कहीं। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है।